की फोर्थ पॉइंट में यही एक सीक्रेट है जो आपके गेम प्ले को डे बाय डे गोल्ड लेवल बनाता है तो ये वाली वीडियो स्पेशल स्किल सेट के लिए है अभी देखो जितने भी स्किल सेट होते हैं ना किसी भी प्रो प्लेयर के द्वारा बनाए जाते हैं टीवन प्लेयर के द्वारा बनाए जाते हैं कोई भी बंदा जो स्पोर्ट्स में खेलता है कम्पी प्लेयर बनता है प्लेयर बनता है उससे पहले वो प्रो प्लेयर बनता है लेजिट खेलना सीखता है जो खेलना सीखने के लिए ना मतलब एक मतलब गोल्ड लेवल खेलने के लिए ना उसके पास एक स्किल सेट होता है कि वो नहीं शेयर करता है, ठीक है लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्किल सेट दे रहा हूँ मेरे को नहीं पता देखो कोई भी सेट होता है किसी भी चीज का ऐसे ही मैं आपको एक स्किल्स का सेट दे रहा हूँ मेरे को नहीं पता इसमें सेट में कितनी स्किल्स है अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो लिटरली आपका गेम प्ले ना डे बाय डे इतना तगड़ा इंप्रूव हो जाएगा ना आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप लोगों ने एक बार ये वाला स्किल सेट लगाया तो सामने वाला बंदा एक ही काम करेगा अब वो काम क्या आप इस वाली क्लिप में देख सकते हो सिंपल मेरे पास ना तो हेलमेट है हेलमेट है बट मतलब खत्म ही हो चुका है और वेस्ट तो है ही नहीं ठीक है तो ये वाला बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में क्योंकि इसने पिछली बार मेरी वेस्ट उतार दी थी तो इसने सोचा मैं इसको मार दूंगा ठीक है तो इस बंदे ने अपना हंड्रेड दिया अब की बार मेरे को मारने के लिए बट फिर भी देखना पे क्या होता है ये वाला पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट है और टी वन प्लेस है ना इसका ही यूज करके वन वी फोर्स निकालते हैं स्क्रीन में खेलते हैं वाले पॉइंट का यूज बहुत ही ज्यादा होता है और किसी बंदे ने आज तक बात ही नहीं की अगर बात तो उन्होंने की कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए अब सिंपल आपके माइंड ने कैच किया कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए बट सिंपल अगर आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए अगर आप पैनिक करते हो तो आप सिचुएशन को संभाल नहीं सकते आपकी जो गेम सेंस है वहां पे जीरो हो जाती है और आपके मरने के चांस है ना बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कभी पैनिक नहीं करना चाहिए तो सिंपल हम इसी चीज का यूज करके सामने

के लिए कुछ गलत चीज करेगा और इसी को पैनिक बोलते हैं आप एग्जाम्पल देखो ये वाला बाकी yeah. में दो बोनस टिप भी देने वाला वालू एक मैं आपको मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी बंदा पैनिक हो चुका है कैसे पता लगाना और दूसरा किसी भी बंदे को हिप फायर के साथ तगड़ा ट्रैक करने के लिए कौन सी ड्रिल है ठीक है और वाली ड्रिल मैंने जस्ट फाइंड आउट किया है मेरे को फीवर हो रखा भाई थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ रहा रहा होगा बट फिर भी मैं वीडियो वीडियो बना लाइक कर देना मोटिवेशन मिलता है ठीक है अभी जो दूसरा तरीका है किसी भी बंदे को पैनिक करने के लिए सिंपल सा तरीका है आपको करना कुछ नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ठीक है जब भी आप पैनिक होते हो तो सिंपल आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ठीक है पैनिक होने का सिंपल सा मतलब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया किसी भी बंदे का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा

एग्जाम्पल देखो और सच ना ये चीज मेरे को सामने वाले बंदे के सामने करने में ना बहुत ही आसान लगती है और बोट्स के सामने करने में मेरे को भाई बहुत ही हार्ड लगती है क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम सबको आलस आता है 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 ठीक लेकिन जब आप इसको एनिमी के तो एनिमी के के सामने सामने करोगे ना तो वाले लिए बहुत ही हार्ड चीज और आपके लिए ये सिर्फ सेकंड का काम है ठीक है तो आप ये वाली चीज है ना पीक के लिए भी कर सकते हो जो पिक्सल पीक देते हैं ना एक सेकंड के लिए वो वाली चीज आप यहाँ पे कर सकते हो खड़े होकर पीक दो या फिर बैठ के पीक अगर आप देना चाहते हो तो आप वो वाला बैठ के पीक भी दे सकते हो ठीक है दोनों तीनों चीज आपको बिल्कुल छोटा सा एंगल बनाना है जस्ट एक सेकंड के लिए मारना है फिर अंदर आना ठीक है मतलब लिटरली आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा अभी नेक्स्ट पॉइंट कि को के में समझ लो जब भी हम किसी हैं ना तो लिटरली वो चीज हमें क्या रहता है कि वो हमारे लिए इजी हो नजर रखनी होती है तो हम किसी भी बंदे में नजर क्यों रखेंगे ठीक है हम फायर करते हैं तो क्या करते हैं भाई ऑटो पे मतलब अपना फायर बटन पर टैप करते हैं और भाई चालीस गोलियां होती है और चालीस गोलियां लगने लगती है सामने वाले बंदे को और बस जिगल देते रहते हैं गदे की तरह ठीक है तो ये चीज आपको नहीं करनी है तो सिंपल आपको टीडीएम लगा लेना है फोर फोर लगाओ ठीके? मतलब 1v1 तो मत लगाना 4v4 लगाओ और अपना एम असिस्ट ऑफ कर दो ठीक है और उसके बाद क्या करो भाई सिंपल एम सिक्सटीन उठा लो ठीक है जो एम है ना वो वाली गन ले लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो गन ले लो और उसके बाद उसको क्या करो सिंगल पे कर लो ऑटो पे कर लो ब्रश पे मत करना ठीक है ब्रश पे बिल्कुल भी नहीं करना है और यहाँ पे वो करना क्या है मारना है और सामने वाले बंदे को ट्रेस करना है लिटरली आप पहले दो तीन मैच तो कुत्ते की मौत मरने वाले हो क्योंकि मैं भी मरा था बट अगर आप मतलब लिटरली करोगे ना इसको मतलब जब भी आप ट्रेसिंग करना चाहते हो गोल्ड लेवल तो तीन से चार मैच एम सिक्स के साथ खेलो और पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो सिंपल होता कुछ नहीं है तो हमारे मरते रहोगे मतलब को हेड मार के मार देता हूं तो मतलब सिंपल मेरे लिएजी भी रहेगा और मैं मरूंगा भी नहीं ठीक है और मेरा एम भी इंप्रूव हो जाएगा ठीक है तो आप क्या करोगे बंदे के हेड पे फोकस करने लग जाओगे ऑटोमेटिक और जो फोकस होगा ना वो आपका उस दिन के लिए बहुत ही तगड़ा रहेगा मतलब यही साइकोलॉजी है अगर आप ध्यान से समझोगे समझ सकते हो अभी बोनस टीप